प्यारे विद्यार्थियों, सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर देव प्रकाश, प्रधानाचार्य एफटी महाविद्यालय इंटर कॉलेज वृंदावन मथुरा से आज कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व का अध्ययन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग सांख्यिकी के अर्थ को समझें कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। सांख्यिकी शब्द जर्मनी शब्द के स्टैटिस्टिक्स और लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है। स्टैटिस्टिक्स या स्टेटस का अभिप्राय होता है राज्य। इन दोनों शब्दों का अर्थ जो होता है वो होता है राज्य। इसका अभिप्राय ये हुआ कि स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम राज्य के द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करते हैं। राज्य जिन नीतियों का उपयोग करता है, जिन टूल्स का उपयोग करता है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के जन्मदाता कौन है। स्टैटिस्टिक्स के जन्मदाता के संदर्भ में 1786 ईस्वी में विलियम प्ले फेयर नाम के अर्थशास्त्री को हम स्टैटिस्टिक्स का जन्मदाता मानते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स और स्टेटस शब्द से व्युत्पत्ति हुई है, जिसका सामान्य अर्थ राज्य के प्रबंधन से होता है और इसके जन्मदाता 1786 ईस्वी में विलियम प्ले फेयर को माना गया है। इस चीज को समझने के बाद में हम सांख्यिकी का अर्थ समझेंगे कि सांख्यिकी का अर्थ क्या है, क्योंकि जब तक हम सांख्यिकी के अर्थ को नहीं समझेंगे, जब तक हम इसका अर्थशास्त्र में क्या महत्व है, इस महत्व को हम नहीं आप लोगों के समक्ष क्लियर कर पाएंगे। अतः हमें सांख्यिकी के अर्थ को और समझने के लिए हमें सबसे पहले सांख्यिकी को समझना अति आवश्यक है। सांख्यिकी को समझने के लिए अर्थ को बहुवचन और सेकंड एकवचन। सांख्यिकी को हम बहुवचन और एकवचन के रूप में समझ सकते हैं, या इसका उपयोग हम बहुवचन और एकवचन के रूप में सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बहुवचन में सांख्यिकी। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ प्रोफेसर फॉरेंस से किस्ट ने बहुवचन में सांख्यिकी की परिभाषा दी है। इन्होंने बताया कि सांख्यिकी तथ्यों का वह समूह है जो अनेकों कारण से प्रभावित होता हो। यह संख्यात्मक होता है। इसकी गणना शुद्धता के परिमाप में की जाती हो
ये है व्यवस्थित एवं पूर्ण उद्देश्यों के साथ एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्रोफेसर हॉरेंस सेकिस्ट ने बहुवचन में सांख्यिकी की परिभाषा देते हुए बताया कि सांख्यिकी तत्वों का वह समूह है जो अनेकों कारण से प्रभावित होता हो, यह संख्यात्मक होता है, इसकी गणना शुद्धता के प्रमाप से की जाती हो, यह व्यवस्थित एवं पूर्ण उद्देश्यों के साथ एक दूसरे पर निर्भर करते हों। इसके जो भी इस परिभाषा में चीज़ें दी गई हैं उनके एक एक बिंदु को जब हम बहुवचन में लेंगे तो और ये क्लियर होती हुई चली जाएगी। पहला बताया तथ्यों का समूह। सांख्यिकी हमेशा इंडिविजुअल नहीं होती है, ये तथ्यों का समूह होती है। किसी भी एकमात्र संख्या को हम सांख्यिकी नहीं कह सकते हैं, हम सदैव सांख्यिकी तथ्यों के समूह को कहते हैं। जैसे 100, 200, 300, 400 ये व्यक्तित्व इकाइयाँ कभी भी सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे, किंतु जब हम इनका अध्ययन समूह में करेंगे तब ये सांख्यिकी कहलाएगा। दूसरा इसमें है अन्य कारकों से प्रभावित होते हों, इन पर अन्य जो अर्थव्यवस्था की व्यवस्था बिंदु हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है, इन पर एक दूसरे का भी प्रभाव पड़ता है, अतः ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा संख्यात्मक, ये संख्यात्मक होते हैं, कभी ये गुणात्मक नहीं होते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत हम संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करते हैं। नंबर चार शुद्धता का परिमापन, जो आंकड़े हमने लिए हैं वो शुद्धता से परिपूर्ण होने चाहिए। नंबर पांच व्यवस्थित, ये जो भी आंकड़े हमने लिए गए हैं उन सभी आंकड़ों को हमने एक दूसरे से व्यवस्थित किया हो। नंबर छः इस परिभाषा में था पूर्ण उद्देश्य, इन आंकड़ों का पहले से ही कोई पूर्व उद्देश्य होना चाहिए, बिना पूर्व उद्देश्य के इन सांख्यिकी का हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और नंबर सात एक दूसरे पर निर्भर, और अंतिम इसकी विशेषता बहुवचन में बताई कि सांख्यिकी के जो तथ्य हैं जो संख्या हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि प्रोफेसर हॉरेंस सेकिस्ट ने बहुवचन में सांख्यिकी की परिभाषा प्रदान की। हमने देखा कि सांख्यिकी तथ्यों के सुव्यवस्थित अध्ययन को हम सांख्यिकी कहते हैं, यानी जो संख्यात्मक तथ्य हैं इनके सुव्यवस्थित अध्ययन को ही सांख्यिकी कहते हैं। बहुवचन में हम लोगों ने देखा कि सात बिंदु इसके निकल करके आए, वहीं एक वचन में सांख्यिकी के परिभाषा क्रॉक्सन एवं काउडन ने
देते हुए कहा, संख्यात्मक तथ्यों के समूह के प्रदर्शन व्यवस्थीकरण प्रदर्शन विश्लेषण एवं निर्वचन को सांख्यिकी कहते हैं। प्रोफेसर कॉक्सन एवं कावडन ने 5 तथ्यों को इसमें समृद्ध किया है। सबसे पहले संकलन, दूसरा व्यवस्थीकरण, तीसरा प्रदर्शन, चौथा विश्लेषण, पांचवा निर्वचन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संकलन के अंतर्गत आंकड़ों का संकलन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीय आंकड़े। जब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं तो आंकड़े या तो प्राथमिक आंकड़े के रूप में होते हैं या द्वितीय आंकड़े के रूप में होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनके व्यक्तिगत इकाइयों का सर्वे स्वयं किया जाता है या जिन न्यायदर्श से या जो आंकड़े होते हैं उनकी इंडिविजुअल विशेषताओं को, इंडिविजुअल उनके गुण और दोष को वहाँ पर मापा जाता है। जबकि द्वितीय आंकड़ों के अंतर्गत सरकार के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा जो प्रदर्शित आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को सम्मिलित किया जाता है। इसलिए संकलन के समय पर चाहे वो प्राथमिक आंकड़े हों चाहे वो द्वितीय आंकड़े हों, किस तरह से वहाँ पर उन सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन किया गया है। दूसरा होता है व्यवस्थीकरण। व्यवस्थीकरण में होता है संपादन, वर्गीकरण और सारणी। आंकड़ों के संकलन के बाद में अगला कार्य होता है उनको संपादित किया जाता है, संपादित करने के बाद में उनको वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण के बाद में उनको सारणीबद्ध भी किया जाता है। इसके बाद में आता है प्रदर्शन। प्रदर्शन सारणी में भी किया जा सकता है या उनको बिंदु रेखीय विधि या जिसे हम ग्राफ विधि भी कहते हैं, इसका प्रयोग करके भी हम उनका प्रदर्शन कर सकते हैं। अब इन आंकड़ों की एक अगली विधि होती है विश्लेषण की, उनको हम मेजरमेंट के द्वारा मापते हैं, जिनको हम माध्य अपकिरण सहसंबंध आदि के द्वारा भी हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं। और लास्ट में आता है निर्वचन में निष्कर्ष कि उन तथ्यों का इन बिंदुओं के द्वारा करने के बाद में किस तरह को हमने प्राप्त किया है। इस तरह से हमने देखा कि सांख्यिकी के अर्थ को समझा, कि सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों के सुव्यवस्थित विवेचन को सांख्यिकी कहते हैं। फिर हमने देखा सांख्यिकी का अर्थ 2 वचनों में हमने देखा, एक होता है बहुवचन, एक होता है एकवचन। बहुवचन में हमने 7 बिंदुओं के माध्यम से देखा कि सांख्यिकी के अंदर किस तरह से हम अध्ययन करते हैं, आंकड़ों में किन किन बिंदुओं का समावेश होता है। और उसके बाद हमने किया एक वचन में सांख्यिकी का वर्णन, और एक वचन में हमने देखा कि इसके 5 बिंदुओं से होकर के हम निकलते हैं, संकलन, व्यवस्थीकरण, प्रदर्शन, विश्लेषण और निर्वचन, जिसको हम निष्कर्ष के रूप में लेते हैं। सांख्यिकी के कार्य,
सांख्यिकी का पहला कार्य होता है जटिल आंकड़ों को सरल बनाती है। सांख्यिकी जटिल आंकड़ों को सरल बनाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आंकड़े सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में होते हैं, उन आंकड़ों को सांख्यिकी के माध्यम से सरल रूप प्रदान किया जा सकता है, उनको ग्रुपों में बांटा जा सकता है, उनको सरलता की विधि से कम आंकड़ों में ही हम उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। जो जटिल आंकड़े होते हैं उनको हमें सरलता प्राप्त हो सकती है। दूसरा होता है तथ्यों को एक निश्चित रूप सांख्यिकी प्रदान करती है। जो तथ्य हैं जिनके पास कोई अपना स्वयं का निश्चित रूप नहीं होता है, उन रूपों को भी हम सांख्यिकी के माध्यम से एक निश्चित रूप प्रदान कर सकते हैं। तीसरा सांख्यिकी का कार्य होता है तुलना में सहायक। सांख्यिकी के माध्यम से जो विभिन्न बिंदु हैं, उन विभिन्न बिंदुओं को भी हम एक दूसरे के माध्यम से तुलना कर सकते हैं, एक दूसरे के गुण और दोष के आधार पर उनकी आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। चौथा होता है इसका कार्य सहसंबंध ज्ञात करना। एक वस्तु के परिवर्तन होने पर दूसरे वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तथ्य के परिवर्तन होने पर, एक संख्या के परिवर्तन होने पर दूसरी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह सहसंबंध का अध्ययन भी हम सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। अगला होता है इसका कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, वो होता है सरकार के लिए नीतियों के निर्माण में सहायक। कि सरकार जो नीति बनाती है उन नीतियों के निर्माण में सरकार को क्या स्टेप उठाने चाहिए, क्या कदम करने चाहिए, टैक्स की क्या स्थिति रखनी चाहिए, उत्पादन किस तरह से करना चाहिए, किसका करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, किस मात्रा में करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी नीतियों के निर्माण में सरकार योगदान करती है, या उसकी पॉलिसी किस तरह की हो इसका भी उस पर निर्माण करता है। और अगला होता है पूर्वानुमान। सांख्यिकी के माध्यम से मार्केट में व्यवसायी, सरकारी या अन्य जो भी उत्पादक हैं, जो भी उपभोक्ता हैं, वो एक पूर्व अनुमान भी इसके सांख्यिकी के माध्यम से लगा लेते हैं। इस तरह से हमने देखा कि सांख्यिकी के जो कार्य हैं वो अर्थव्यवस्था में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, उनका एक अपना योगदान होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सांख्यिकी की सीमाएँ, कि सांख्यिकी किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है, किन किन क्षेत्रों में कार्य नहीं करती है। सीमाएं, सीमाओं में सबसे पहले है कि ये हमेशा गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है, ये केवल संख्या का अध्ययन करते हैं। हम सांख्यिकी के अंतर्गत इसमें कभी भी गुण का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, कोई व्यक्ति कितना महान है, कितना ईमानदार है, कितना नैतिक है, इन सारी चीज़ों का सांख्यिकी के अंतर्गत हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हम केवल संख्यात्मक चीज़ों का ही अध्ययन करते हैं, गुणात्मक तथ्यों का हम अध्ययन नहीं करते हैं। दूसरा व्यक्तिगत तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। सांख्यिकी में कभी भी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं होता है, इसके अंतर्गत सदैव सामूहिक इकाइयों का ही अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा इसके जो नियम हो परिणाम होते हैं वो औसत रूप से सत्य होते हैं। सांख्यिकी हमेशा सार्वभौमिक सत्य नहीं होती है, बल्कि इसके नियम औसत रूप से ही
सत्य होते हैं, सत्प्रसत इसमें सत्यता पाई भी जा सकती है, सत्प्रसत इनके सत्यता नहीं भी हो सकती है, केवल ये सत्यता के आसपास ही इसके आंकड़े हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अगला शुद्धता, शुद्धता की स्थिति भी हम नहीं पढ़ सकते हैं कि ये सत्प्रसत सत्य होंगे, क्योंकि कभी कभी सांख्यिक का प्रयोग इसका भ्रामक भी विरोधी लोग करने लगते हैं, और जब भ्रामक होते हैं अपने स्वार्थ के वशीभूत करने लगते हैं जब आंकड़े अपने स्वार्थ के वशीभूत कोई व्यक्ति देने लगता है, कोई संस्था देने लगता है, उस स्थिति में इसका जो सीमा है वह वहाँ जा कर के समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि एक्सप्लेन कोई भी उन आंकड़ों का किसी भी तरह से कर सकता है, उनका भ्रामक भी कर सकता है और उनका दुरुपयोग भी कर सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सांख्यिकी की ये निम्न सीमा है जिन सीमाओं के अंतर्गत सांख्यिकी अपना कोई कार्य नहीं करती है। अब आता है सांख्यिकी का दुरुपयोग। सांख्यिकी का दुरुपयोग, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि सांख्यिकी के दुरुपयोग के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जब कोई अन्वेषक, जब कोई व्यक्ति, जब कोई सरकार, जब कोई उत्पादक, यदि इसका सही तथ्यों का उसे ज्ञान नहीं होता है तो निश्चित रूप से ही उसके दुरुपयोग होने की संभावनाएं अधिकतम हो जाती है और इसके भ्रामक परिणाम और गलत परिणाम निकल करके आना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा, एक उदाहरण भी सांख्यिकी में दिया जाता है कि एक परिवार था, वह परिवार नदी पार करना चाहता था। उस परिवार के मुखिया ने अपने सारे परिवारिक जनों की आय का औसत लिया और नदी की गहराई का औसत लिया और उसने ये निर्णय लिया कि नदी की गहराई निकल करके आई है 4 फुट औसत, भले ही एक जगह पर उसकी गहराई थी 8 फुट, एक जगह थी उसकी 4 फुट, एक जगह थी 6 फुट, एक जगह थी 1 फुट। इस तरह से उसने सारे जो औसत लिए उन औसतों में जब उसने भाग दे करके देखा तो औसत वहाँ पर 4 फिट आया, और जब उसने अपने पूरे परिवार की लंबाई का औसत निकाला तो औसत उसका 5 फुट निकल के आया। तो उसने ये निर्णय किया कि हमारा पूरा परिवार इस नदी को पार कर सकता है। किंतु मित्रों, जहाँ पर नदी 8 फुट गहरी थी उस गड्ढे में जाकर के उसका पूरा परिवार समा गया और ये कह जाने लगा जब इसे कि साहब यों का त्यों कुनवा डूबा, क्यों कुनवा इसीलिए डूब गया क्योंकि उसका जो औसत निकल के नदी का आया था वह सही नहीं था, क्योंकि एक जगह पर उसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी, अन्य जगह पर उसकी गहराई बहुत कम थी, जहाँ गड्ढा अधिक था उस गड्ढा औसत में कम हो गया। और उस परिवार के मुखिया को ने ये निर्णय ले लिया कि हम सभी लोग इस नदी को पार कर सकते हैं। इस तरह से उसने पूरे परिवार को हर सब जगह से उसका परिवार निकलता हुआ नदी से पार हो गया, किंतु उस जगह पर जाके उसके परिवार पूरा समाप्त हो गया जहाँ पर गड्ढे की गहराई 8 फिट थी, क्योंकि उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई 8 फिट नहीं थी, अतः उस गड्ढे में जाकर पूरा परिवार समा गया। इसलिए सांख्यिकी की ये दुरुपयोग होने की भी संभावना अधिकतम रहती है जब हम उसका सही रूप से अध्ययन नहीं करते हैं। सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में महत्व, वर्तमान समय में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अत्यंत महत्व हो गया है। वर्तमान समय में गणित प्लस अर्थशास्त्र प्लस सांख्यिकी तीनों विषयों के मिलने के बाद में एक विषय अर्थमिति का निर्माण हुआ है, जिसे इकोनो मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ये गणित, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी तीनों के विषयों को मिलाकर के इकोनॉमिक्स का निर्माण हुआ है, और ये कहा भी जाता है कि अर्थशास्त्र जहाँ मानवीय कल्याण का
विज्ञान है, वहीं सांख्य की मानवीय कल्याण का गणित है। क्योंकि अर्थशास्त्र के जो विषय हैं चार, उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण, इन चारों में सांख्यिकी का अपना अलग अलग महत्व है। सबसे पहले हम देखें उपभोग। उपभोग में हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ वस्तु हमेशा उपभोग करने के प्रयास में रहता है। व्यक्ति की एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी वस्तु की उसकी मांग तुरंत बढ़ जाती है, उसकी इच्छा जागृत हो जाती है। हम ये देखते हैं उसके पास जो साधन है उन संसाधनों के माध्यम से ही वो अपने उपभोग की पूर्ति करता है। और ये आंकड़े हमको स्टेटिक्स के माध्यम से पता लगते हैं कि उपभोग का किसी देश में ट्रेंड क्या है, किसी समाज में ट्रेंड क्या है, किसी राज्य में ट्रेंड क्या है। ऐसे उत्पादन, क्या उत्पादित किया जाए क्या उत्पादन न किया जाए, यह भी सांख्यिकी के जो पूर्वानुमान है उसके माध्यम से उत्पादक लगाते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हमको क्या उत्पादन करना चाहिए, क्या उत्पादन नहीं करना चाहिए। यह उत्पादनकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स के जो डेटा होते हैं उनका जो पूर्वानुमान होता है उसके द्वारा होता है। तीसरा होता है विनिमय, एक्सचेंज। एक्सचेंज में भी सांख्यिकी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि बाजार में एक दूसरी वस्तु का किस तरह से विनिमय हो रहा है, उसकी क्या संभावना है, मार्केट में उसकी क्या स्थिति रहेगी। और लास्ट में आता है वितरण, कि राष्ट्रीय आय के जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन में भूमि, श्रम और पूंजी और उद्यम जो चार साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, उनके अंतर्गत हम किस तरह से राष्ट्रीय आय का या जो उत्पादन हुआ है उसका वितरण करें। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का ही पोर्शन है जिसके माध्यम से हम अर्थशास्त्र के उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण का हम अध्ययन करते हैं। अगला हम लाभ देखते हैं आर्थिक नियोजन में। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन में महत्व, सरकार जो योजना बनाती है उस योजना में भी स्टैटिस्टिक्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके माध्यम से ही पता लगता है कि सरकार किस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करे, किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी स्थानीय स्तर पर शिक्षा का क्या स्तर है, वहाँ पर शिक्षा है, भूख है, रोजगार है, ये जो भी योजना बनाई जाएंगी ये सब योजनाएं आर्थिक नियोजन के अंतर्गत उस सरकार के द्वारा ये देख कर के ही बनाई जाती हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। क्योंकि बिना सांख्यिकी के, यदि सांख्यिकी का प्रयोग हम नियोजन में नहीं करेंगे तो ये ठीक उस तरह से हो जाएगा कि जैसे कोई पानी का जहाज समुद्र में बिना पतवार और दिशा सूचक यंत्र के हो। जैसे समुद्र में हमको ये नहीं पता लगता है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, यदि वहाँ पर पतवार उसकी नहीं होगी तो समुद्र में तूफानों से उसे नहीं बचाया जा सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उसके पास में पतवार न हो और दिशा सूचक यंत्र न हो कि हमारा जहाज किस दिशा में चल रहा है। उसी तरह से बिना स्टैटिस्टिक्स के आर्थिक नियोजन कोई भी सरकार कहीं भी नहीं हो सकता है कि हमें कहां पर किस तरह की स्कीम का, किस तरह की नीतियों का निर्माण करना है। और अगला हमारा आता है राज्य प्रबंधन, राज्य प्रबंधन में सांख्यिकी। राज्य प्रबंधन में कोई भी सरकार कल्याणकारी सरकार जब ही कहलाएगी जब वो अपनी देश की जनता के बारे में टैक्स, शिक्षा, रोजगार और हम देख रहे हैं अपराध
इनके आंकड़े सरकार के पास नहीं होंगे, टैक्स किस पे लगाना चाहिए, शिक्षा का स्तर कहाँ बढ़ाना चाहिए, रोजगार के कहाँ पर क्षेत्रों का सृजन करना चाहिए, और राज्य में अपराध की स्थिति किस तरह की है, उस अपराध को अंकुश करने के लिए उसको क्या कार्य करने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें राज्य प्रबंधन में स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से की जाती है। और हमारा इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना स्टैटिस्टिक्स के आज के ज़माने में अर्थशास्त्र का, राज्य प्रबंधन का, इनका योगदान शून्य हो जाता है। हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र का इस समय रीढ़ की हड्डी के रूप में स्टैटिस्टिक्स अपने योगदान का निर्वहन कर रही है।